दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमा खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं चटपटा सा प्यारा सा सब्जी। आप तो बहुत सब्जियां खाए होंगे, बट आज हमारे पास है केले, कच्चे केले का सब्जी बनाने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से केले की सब्जी खाने में बहुत ही बढ़िया है, बट थोड़ा सा मगरी लगता है, बट खाने में बहुत ही मजेदार लगता है। तो फटाफट हम इसे बना लेते हैं। हमने लिया है यहाँ पे, ये आपको लगभग हाफ के जी केले हैं जिसे मैं कट करके पीसेस में रखी हूँ। आप चाहे तो गोल चौक भी कर सकते हैं। ये कच्चे केले हैं जिसे हमने ये कट करके रखा है। और यहाँ पे जो है आप इसे गोल साइज में भी कट कर सकते हैं, बट हमारे पास है यहाँ पे 3 मीडियम साइज के छोटे छोटे प्याज जिसका ग्रेवी बनाएंगे, 1 बड़ा साइज का टोमेटो, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच हमारे पास जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हमारे पास काली मिर्च पाउडर, कलर के हमारे पास है स्वाद अनुसार नमक, नमक जितना यूज लगेगा कर डाल लेंगे। हमने लिया है यहाँ से 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला, और हमारे पास है यहाँ पे 1/2 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा जितना पसंद है आप रख सकते हो। इसमें थोड़ा ज्यादा करके लेना है अदरक और लहसुन, इससे सब्जी और ज्यादा बढ़िया बनता है। तो फटाफट हमने कढ़ाई को जो है पैन कढ़ाई है जो गैस पे रख लिया है, उसमें ऑयल जो है ऐड कर लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे केले को थोड़ा सा एक साथ जो है थोड़ा फ्राई कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सब्जी बनता है इसका। तो तेल को थोड़ा होने देते हैं गर्म, और उसे हम केले को थोड़ा सा जो है सेलो फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ केले का देखिए ये ना आप इतना बढ़िया ये हो गया है क्रिस्पी कि आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही आप चाहो तो और इसे डार्क कर सकते हो, मतलब कि आप जो है बिल्कुल इसे और जो है क्रिस्पी बना सकते हो फ्राई करके, ऐसे भी खा सकते हो क्योंकि ये केले हैं और खाने में उतना ही बढ़िया लगता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेलो फ्राई ही करो, आप अगर डीप फ्राई करना चाहते हो तो डीप फ्राई करके भी डाल सकते हो, बट ये केले की सब्जी लगता बहुत बढ़िया है। तो फटाफट हम इसे ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। जैसे हम ग्रेवी तैयार करते हैं, ग्रेवी का कोई दूसरा नुकसान नहीं होता है। तो फटाफट हम ये प्याज डाल लिए, इसमें टोमेटो, अदरक और ये सारी लहसुन, पहले इसमें अदरक को पीसेस कट कर लेंगे, हरी मिर्च, और इन सारी चीजों के हमें पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो फटाफट मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। हमने सारा ग्रेवी बना के तैयार कर लिया है, और केले को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम सब्जी की तैयारी कर लेंगे बनाने का। तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, आप यहाँ राई भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे हम अजवाइन, इससे आपका सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। स्किप ना करें, अजवाइन जरूर डालें इसके अंदर, लगभग 1/2 चम्मच अजवाइन डाल लें, इसे गोल्डन ब्राउन होने दें। अब ये सारा पेस्ट हम इसके अंदर डाल के ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा जो ग्रेवी है बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सारे मसाले जो है ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी मसाला जो है हमारी थोड़ी सी लूज हो जाए। लगभग 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। मसालों को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे मिक्स कर देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, यानी आपको अगर ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो गाढ़ी रख ले। ये जो सब्जी आप खा लोगे, चिकन खाना भूल जाओगे, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, तो लीजिए बहुत ही बढ़िया सा सब्जी बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी काफी थिक है, और हमें ऐसा ही चाहिए।
अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप डाल भी सकते हो, बट ये रोटी नान पूरी किसी के साथ भी खाओ, चावल के साथ भी खा सकते हैं। गैस को करती हूँ ऑफ और मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस सब्जी को घर में जरूर ट्राई करें, बनाए खाए और हमें कमेंट्स करना नहीं भूले, क्योंकि आपका कमेंट्स हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प कर। सब्सक्राइब करना नहीं भूले, शेयर करें, लाइक करें फ्रेंड्स में। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।